Assalamu alaikum. So today we are going to start a new topic and a new lecture or a completely different course, which is of macroeconomics, or you can say monetary economics also. ठीक है, सबसे पहले देखिए इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले जो एक मेन वीडियो जो कि हमें ज़रूरत है बनाने की, जो मैंने आज सोचा कि मैं इसको बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके बगैर आप आगे जब जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो के बावजूद भी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डिफरेंसेस ऐसे होंगे जो हमें वक्तन फवक्तन पता चलेंगे, हम सारे एक ही उसमें कवर नहीं कर सकते और आपको समझ भी नहीं आएंगे। तो वो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हों और वो जो आगे के लिए, थोड़े से आगे के लिए भी, थोड़े आगे के लेक्चर्स के लिए भी ज़रूरी हों, वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप करें। बेसिकली देर आर टू मेन थाट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही इन दो का जिक्र काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, क्लासिकल और कीनेसियन। जहाँ भी आप जाएंगे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपको ये दो थाट्स बहुत कॉमन मिलेंगे। इसके अलावा न्यू क्लासिकल, न्यू कीनेसियन, मॉनेटरिस्ट, ये फिर भी एक कम लेवल के ऊपर है। मेन काम इन दो थाट्स का, तो हम जल्दी से कवर अप करते हैं कि किस तरीके से क्लासिकल कीनेसियन से डिफरेंट। देखिए क्लासिकल में सबसे पहला पॉइंट है वो है लेजेस्ट फेयर इकोनॉमी मींस नो और अ लिटिल इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। असल में होता क्या है कि क्लासिकल जो थॉट है उसने ये कहा था, उसका ये मानना है कि इनविजिबल हैंड की वो आप समझने आ कहते हैं कि ट्रम्प फॉलो करता है। इनविजिबल हैंड का मकसद ये है कि मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन द प्राइस, द वेजेस एंड द आउटपुट। यानी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, प्राइस का चेंज होना, वेजेस का चेंज होना, ये सब कुछ मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमिन हो जाएगा। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। यानी गवर्नमेंट खुद से कोई फिक्सेशन ना करे, गवर्नमेंट खुद से कोई इम्प्लीमेंटेशन ना करे चीज़ों की, उसको छोड़ दिया जाए। मतलब जो लेजेस्ट फेयर, उसका मतलब होता है लीव अलोन या लेट अलोन। इसका मकसद ये है, कहते हैं कि आप हमें छोड़ दें, प्राइसेस को छोड़ दें, वेजेस को छोड़ दें, लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई खुद ब खुद इंटरेक्ट करेगी। जहाँ वो दोनों बराबर हो जाएगी, जहाँ डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वहाँ वो वेज रेट प्रिवेल कर जाएगा, या प्राइस में जहाँ डिमांड सप्लाई कमोडिटी के बराबर हो जाएगी, वो प्राइस उस कमोडिटी के लिए प्रिवेल कर जाएगा। ये कहलाता है क्लासिकल की थॉट। वो कहती है कि भाई या बहुत ही कम, मतलब डिटरमेंटल रोल हो गवर्नमेंट का, बहुत ही ज़्यादा कम रोल हो किसी किसी एक पार्ट में, या फिर ना ही हो तो बेहतर, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स जब हम कीनेसियन में आते हैं तो वो कहते हैं नीड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। उसका ये मानना है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इकोनॉमी में ज़रूरी है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट कुछ काम ऐसे आए, क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन आया, जब ग्रेट डिप्रेशन से पहले जब इंडस्ट्रियल आप कहते हैं एरा चल रहा था, उस पर क्लासिकल की जो जितनी भी असम्पशंस हैं, जितनी भी उसका मानना था, वो सब प्रॉपर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के अंदर ये हुआ कि जो उनका कहना था, उनका कहना ये था, कहते हैं कि खुद ब खुद ही हर चीज़ फिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस और वेजेस सेटल होते हैं, और उसी के थ्रू इकोनॉमी के जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपकी, जिस लेबर की रिसोर्सेज हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सब भी फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी एफिशिएंट एलोकेशन होती है उनकी, सारी रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, सबकी एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट निकलता है वो भी एफिशिएंट होता है, और उससे ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते अपनी इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, उनका ये कहना था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो हुआ ये कि जो आउटपुट था और जो रिसोर्सेज थी वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हो सकती। उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुँच रही थी इकॉनमी, जबकि कहा गया था कि कोई इंटरवेंशन नहीं करें खुद ब खुद पहुँच जाएगी, तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी उसका। तो वहाँ पे आके क्लासिकल का एक फ्लॉ आ गया कि अब इसको किस तरीके से डील करें। आपने तो कहा था कि प्राइस और वेजेस जो है वो खुद ब खुद हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा और आउटपुट भी हमारा फुल एम्प्लॉयड हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जो लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि जब अपनी जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितना भी लेबर है, वो सारा एफिशिएंटली एलोकेट हो रहा है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के बाद जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन भी फुल्ली एम्प्लॉयड है। इसका मकसद क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, यानी कि जितने भी लेबर हैं आपके मार्केट में सारे के सारे एम्प्लॉयड भी हैं, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मकसद ये होता है कि वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मकसद ये कि जो फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर को मिलकर एक चीज़ बनती है कि ये प्रोजिस्ट करता है इकोनॉमी में, उसको अगर सेट असाइड कर दें तो बाकी जितने भी लेबर्स हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हो रहे हैं और सारे के सारे जो है वो आउटपुट
के अंदर ट्रांसलेट हो रहे हैं और प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, प्रोडक्शन भी फिर एफिशिएंट हो रही है क्योंकि सारे के सारे लेबर। लेकिन केन्स या ग्रेट डिप्रेशन का जब दौर आया 1930s के बाद, तो हमें उन्होंने ये जरूरत पड़ी कि वहाँ पे जो है वो लेबर फुली एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहा था और जो प्रोडक्शन थी वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर नहीं आई। तो फिर केन्स ने कहा कि हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत इसमें है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या जरूरत है कि वो आए और आके सपोर्ट करे और आके कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाए जिससे कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ हम बढ़ें या हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। केन्स का कहना ये था कि फुली एम्प्लॉयड ऑलरेडी हर दफा होता है और उससे ज्यादा आप जा ही नहीं सकते। जबकि इन्होंने ये जो बात करी, इन्होंने फिर इस बेसिस के ऊपर क्यों चाहिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मल्टीपल चीजें जो इन्होंने बताई कि देखें इससे ये हो सकता है, ये पॉलिसी लगा सकते हैं, या कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर कभी होती ही नहीं है, और ऐसे भी पॉसिबल है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर इकोनॉमी ना हो, चाहे लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, ये हम नीचे पड़ेंगे। तो इंटरवेंशन ये कहता है हो और ये कहता है ना हो। अच्छा, उसके बाद है वेजेस एंड प्राइसेस आर एडजस्टेबल क्विकली। ये बिल्कुल उसी की एक्सटेंशन है, क्योंकि हमने वहां बताया कि वो क्या कह रहा था कि डिमांड और सप्लाई, यानी लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई से जब आप ग्राफ ड्रॉ हो या जो मार्केट मैकेनिज्म हो कि कितनी डिमांड है कितना सप्लाई है, उससे जो इंटरेक्ट होगा वो वेज हो जाएगी, यानी वेज फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर डिमांड कम होगी तो वेज जो है वो गिर जाएगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो वेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी। इनका कहना है कि एडजस्टेबल क्विकली प्राइस भी और वेज भी, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म है। लेकिन इनका कहना क्या था कि नहीं जी, रिजिड होगी। रिजिड क्यों होगी? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो मार्केट मैकेनिज्म से जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाए। इनका मानना ये था कीनेजियन का कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू या आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। कहते हैं कि वो पीछे रह जाए, यानी जो लेबर डिमांड है या वेजेस जो है क्यों पीछे रह जाएगा, वजह क्या होगी कि क्यों इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा? उसकी वजह है कि वेज और प्राइस रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये है कि स्लोली मूव करते हैं, क्विकली एडजस्टेबल नहीं होते, या फिर स्टिकी डाउनवर्ड। यानी इसका मकसद ये है कि अगर वेज या प्राइस नीचे की तरफ गिर रहे हो तो वो जो है आपका मैं ये कह रहा था कि वेजेस एंड प्राइस की बात कर रहे थे। देखिए, स्टिकी डाउनवर्ड का जो मकसद है वो मकसद ये है कि बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी वेज या आपका प्राइस जब नीचे की तरफ आना शुरू होंगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे। कौन कौन रेजिस्ट करेगा? जैसे कि अगर लेबर जो चल रहा है उसकी वेज अगर कम हो जाएगी डिमांड की वजह से, वो रेजिस्ट करेगा। किस तरह? लेबर यूनियंस होती हैं और बहुत सारे किस्म के यूनियंस और लॉज होते हैं जिसके थ्रू लेबर आके प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें वेज में हमारी कमी हो रही है, हम ये वेज में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेसिकली केन्स का कहना यह था कि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता कि जब डिमांड कम हुई आपने वेज कम कर दी, या जब ज्यादा हुई तो आपने वेज बढ़ा दी। नहीं, वेज और प्राइस रिजिड भी रहते। और प्राइस किस तरीके से? मोनोपली यानी एक वो फर्म होती है जो कि बिल्कुल टोटली, मतलब समझ लें, कहते हैं कंट्री में या जो भी रीजन है उसमें वो मोनोपली पावर रखती है, यानी उस जैसी प्रोडक्शन या उस जो चीज बना रही होती है वो दूसरा कोई नहीं बना पा रहा होता, तो इसलिए उसके पास टोटल कमांड होती है प्राइस की। तो यानी ये पॉसिबल है, जैसे हमारा कहना है कि डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे या ऊपर हो जाएंगे। लेकिन मोनोपली क्या करेगा? लाजमी सी बात है, जिसकी मोनोपली है उसके पास प्राइस का कंट्रोल है, तो अगर डिमांड ज्यादा भी हो जाए या डिमांड कम भी हो जाए, वो अपने प्राइस अगर ना चेंज करना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता या उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं नहीं कम करो, तो वो अपने प्राइस वहीं रखेगा भले ही उसकी डिमांड कम हो या सप्लाई ज्यादा हो या जो भी हो। तो ये दो वजूहात के मोनोपली इसमें कह लें और लेबर यूनियंस कह लें इसमें, वो इन चीजों को नीचे आने से रोकती है। स्टिकी डाउनवर्ड्स, यानी जब डाउनवर्ड्स नीचे आ रहे होते हैं तो स्टिक हो जाती है, जो प्राइस होता है, जो वेज होती है उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। तो वेज और प्राइस जो है वो रिजिड होते हैं, यानी बहुत स्लोली मूव करते हैं, कीनेजियन कहता है, या फिर स्टिकी हो जाते हैं डाउनवर्ड्स जब नीचे आने लगते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, क्लासिकल का मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है। अच्छा, कैसे इक्वल है? उनका कहना यह है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली इन दोनों को इक्वल लगता है, यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंसान क्या करता है, वो सेव कर लेता है ज्यादा। क्यों सेव कर लेता है भाई? क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं ये कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो वो वहां से सेविंग करता है, और वो सेविंग, अब देखें बात ये आती है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार सेव करने के बाद क्या होगा, तो देखिये सेविंग का मकसद ही है कि अगर वो सेविंग उस, हम इनका क्लासिकल कहना ये कि वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए सेविंग बढ़ाता है या कम करता है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि भाई सेविंग को हम बैंक में रख देते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते किसी बंदे के पास,
लेकिन अल्टीमेटली वो बैंक क्या कर रहा हूँ, बैंक कहता है कि आपने मेरे पास सेविंग रखवाई है, मैं आपको एक इंटरेस्ट रेट दूंगा, और वो जाके आगे इन्वेस्ट करता है। ऑटोमेटिकली अगर 500 रुपए आपने बैंक के पास रखवाए, वो 500 इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है। या फिर आप खुद ही वो 500 रुपए लेकर जाते हैं और किसी के पास इन्वेस्ट कर देते हैं और वो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट रेट देता है। तो क्लासिकल का मानना ये था कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होती है, सही है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई एक पॉइंट आया हो तो शायद वो पॉइंट केन्स आपको क्लियर है। केन्स का कहना यह है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमेशा इक्वल नहीं होती, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल हो। क्यों? वजह इसके अंदर ये आती है कि देखिए, पॉसिबल है कि मैं 1,00,000 रुपए सेव कर रहा हूँ, बट मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको इन्वेस्ट करूँ। ये भी हो सकता है कि मैं इसलिए अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद कोई गाड़ी खरीदनी है, या मुझे आगे कहीं शादी अपनी करनी है और उसमें पैसे लगाने हैं। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, उसके ऊपर मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, सेविंग तो मैंने 1,00,000 करी, 1,00,000 करी, बट मैंने इन्वेस्टमेंट 0 करी, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करा कहीं, और डायरेक्ट जो है वो आपकी अपने अपने पर्पस के लिए जो भी चीज़ कर ली है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये बात याद रखिएगा कि अगर गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर घर आप कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदें, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और के लिए खरीद रहे हैं, या आप अपना ऐसा कोई घर खरीद रहे हैं जो कि आपको किराए पे चढ़ाना है या किराए पे देना है, रेंट आउट करना है, तो फिर ये आपका बिजनेस पर्पस कहलाएगा और ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो केन्स ने कहा कि नहीं जी, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इक्वल नहीं होगा। और मैंने रीजन भी आपको बताया, इकोनॉमी एज ऑलवेज इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि लेजिस्फेयर है, मार्केट फोर्सेस की तरफ से होता है। तो इनका कहना यह है कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से हटती नहीं, ना पीछे होती है ना आगे होती है। क्योंकि आगे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो और ज़्यादा क्या यूटिलाइज करेंगे, जब पूरे तरीके से यूटिलाइज होकर एक आउटपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते। लेकिन इनका कहना यह था कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये हुआ कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रही, क्योंकि लेबर जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी। तो इनका ये फिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई जरूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी इकोनॉमी परटेन कर सकती है और रह सकती है। जबकि इनका मानना था कि अगर आएगी भी तो टेंडेंसी ऐसी हुई हो वापस वो पलट के फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ जाएगी, जबकि इनका कहना था नहीं, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए तो वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे ही जो है वो रुक सकती है। दे सी इन्फ्लेशन एज अ बिग थ्रेट। अच्छा, वजह क्या है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है तो अगर आप इसके बाद कोई भी पॉलिसी लगाएं, किसी भी किस्म की आप पॉलिसी लगाएं अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो अब आप क्या करेंगे, लेट सपोज आपने कोई पॉलिसी लगाई जिससे डिमांड बढ़ गई, जबकि इनका पहले से ही कहना ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, आउटपुट इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो डिमांड बढ़ेगी भी तो क्या होगा। आप खुद बताएं कि एक आउटपुट जो है वो फिक्स है, यानी 10,000 यूनिट मैंने बनाए हुए हैं और इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं सकता, मेरी जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होकर 10,000 पे रुक गई, इससे ज़्यादा 11,000 नहीं बना सकता, 10,000 एक यूनिट भी नहीं बना सकता। अब अगर डिमांड 10,000 से 11,000 की तरफ आ जाएगी तो क्या हो, क्योंकि मेरी सप्लाई तो 10,000 है, जैसे कि उन्होंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है, इकोनॉमी जो प्रोडक्शन है वो पूरी है, 10,000 है लेट सपोज, तो जब 11,000 पे आ जाएगी तो क्या हो, जब 11,000 पे अगर डिमांड आ जाएगी जबकि सप्लाई 10,000 पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ कह लें, शॉर्टेज ऑफ डिमांड या एक्सेस सप्लाई, वो आप कह लें, कहते हैं कि आपका एक्सेस डिमांड कह लें, शॉर्टेज ऑफ डिमांड नहीं, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या फिर एक्सेस डिमांड। क्यों, डिमांड ज़्यादा हो गई है जबकि सप्लाई कम हो, जब ऐसी सूरत होती है तो क्या होता है, जब एक चीज़ शॉर्ट हो जाए मार्केट में और उसकी डिमांड ज़्यादा हो बट सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कहना है कि इनके नज़दीक इन्फ्लेशन बड़ा थ्रेट है। क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम विषय रहते हैं, तो अगर किसी ने भी गवर्नमेंट आई इंटरवीन करा और अपनी पॉलिसी लगाई तो भाई कुछ नहीं होगा, आउटपुट वहीं रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो इनके लिए थ्रेट है। और इनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि इनका मानना क्या है कि भाई बंदे तो सारे एम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई थ्रेट ही नहीं है इनके लिए। लेकिन इनका मानना क्या है, दे आर लेस वरीड अबाउट इन्फ्लेशन। इनका ये मानना है कि नहीं जी, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे रहे, तो उसको आगे लाना किसका काम है, गवर्नमेंट का, कि वो जो पॉलिसीज यहाँ लगा रही थी वही पॉलिसीज अगर केन्स के हिसाब से लगाए कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे हो और फिर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसके पास ये चांस होगा कि वो अपनी और प्रोडक्शन डिमांड के बढ़ने की वजह से और रिसोर्सेज को
एम्प्लॉय करेगा और लेबर्स को हायर करेगा कि भाई अब डिमांड बढ़ गई है चीजों की, आओ मुझे काम आ गया है मेरे पास ज्यादा, मुझे जो ज्यादा लेबर रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई फिर इंटरसेक्ट होने की, उसका जो गैप है जो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उस गैप को फिल करने के लिए वो ज्यादा लेबर हायर करेंगे और ज्यादा वर्किंग शुरू करेंगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। तो इनके नजदीक इन्फ्लेशन कोई वो नहीं है कि इन्फ्लेशन भाई उनके नजदीक कुछ नहीं, क्योंकि लेबर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मेन काम है उनका एम्प्लॉयमेंट, वो ज्यादातर वरीड है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन के लिए वो नहीं सोचते हैं, कहते हैं कि परचेजिंग पावर या किसी और चीज का, कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो क्यों, आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, या वो ये समझते हैं कहते हैं कि मेन जो उनका फोकस है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनका फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी एम्प्लॉयमेंट, इनका सोचना ये है कि एम्प्लॉयमेंट पहले से बढ़ी हुई है, तो इनके लिए इन्फ्लेशन एक बिग थ्रेट है। अच्छा, क्लासिकल डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू मनी, एग्जैक्टली उनका मानना यह है कि मनी जो है, जो पैसा है, वो बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी एक चीज खरीदी और आपने जो चीज खरीदी, या आप पहले कहते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मकसद ये होता है कि इस चीज को खरीदने के लिए आपने पैसे लिए और वही पैसा फिर कोई और चीज खरीदने के लिए यूज रहेगा, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उनका कहना यही है क्लासिकल का कि भाई जो इसके पीछे जो हिडन चीजें हैं वो हैं क्या, कमोडिटीज, उनका काम असल है, उनकी प्रोडक्शन, उनको चीजों को देखें, मनी से कोई हमारा इनकम जनरेट नहीं होती, कुछ नहीं होती, जिसके पास ज्यादा चीजें होती है गुड्स में वो जो है वो ज्यादा कहलाता है। उनका मानना, क्लासिकल का मानना यह है कि उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसी वजह से उनका कहना क्या है कि एक और क्लास मनी का, मनी जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज होती है, वो है ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन ही मोटिव क्या, कि आपको कोई चीज खरीदनी होती है, आप इसीलिए वो पैसे को यूज करते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इनके नजदीक, केन्स के नजदीक, वो इसलिए मनी को एक सिंपल सी इंपॉर्टेंस देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा और कुछ नहीं है, उससे ना ही कोई इनकम जनरेट हो सकती है, ना ही हम उससे कोई और चीज कर सकते। लेकिन उसके बरक्स इनके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मनी की, क्यों, क्योंकि केन्स जो है वो पहली मरतबा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आया था पैसे के अंदर, मनी के अंदर। क्या उसका कहना क्या था, दो मोटिव और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कभी, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। इसका कहना क्या था कि हो सकता है कि इंटरेस्ट को देखते हुए इंसान पैसे की होल्डिंग करे, कि भाई वो जो पैसा मेरे पास रखा हुआ है, जो मनी इन टर्म्स ऑफ आप कह लिया कहते जो पैसा रखा हुआ है वो क्या है, वो बेसिकली अगर मैं कहीं जमा कराऊंगा या मैं कुछ और करूंगा उसके, उससे जो है वो मुझे इनकम जनरेट हो सकती है। तो पैसा इनके नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जबकि इनके नजदीक वो कम इंपॉर्टेंस रखता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ओनली इंक्रीज द प्राइस एंड नो अफेक्ट ऑन जीडीपी और इनकम। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन्फ्लेशन बिग थ्रेट क्यों है, क्योंकि इनका कहना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आपका काम किया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आपकी जो है वो इकोनॉमी है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, पॉलिसी लगाती है, तो क्या होगा, ओनली इंक्रीज द प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे और जीडीपी या किसी भी इनकम के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। जबकि इनका कहना है इसके बरक्स है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होती, तो इसलिए अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुई तो वो इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर ले आएगी या फिर इनकम को इंक्रीज कर देगी, फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी लाती तो, लेकिन आगे जरूर हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे बहुत डिफरेंट पॉइंट्स है जो हम वेरियस कोर्स अपने लेक्चर्स में कवर अप करते रहेंगे, तो लेकिन अभी के लिए आखिरी ये है कि द एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इनका कहना यह है कि देखिए बेसिकली जब भी आप क्लासिकल को देखेंगे ना, वो दो बातें कर रहा है, शॉर्ट रन में ये होता है, लॉन्ग रन में ये होता है, लॉन्ग रन में ये होता है, लॉन्ग रन में ये होता है, हर चीज लॉन्ग रन के थ्रू वो बता रहा होगा कि लॉन्ग रन में जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लाजमी सी बात है कि यानी कुछ भी हो जाए लॉन्ग रन के अंदर आपके सिर्फ प्राइस ही बढ़ सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली क्या मकसद है इस बात का, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये ग्राफ है, ये इनका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहलाता है, और इनका कहना ये होता है कि जी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बिल्कुल फिक्स है, फुल एम्प्लॉयमेंट इससे हटी गई, तो डिमांड अगर बढ़ती भी जाएगी ऐसे, ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, और ये बढ़ता भी जाएगा तो देखें प्राइस बढ़ जा रही है, लेकिन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर और आउटपुट लेकिन सेम। तो लॉन्ग रन की सोल्यूशन जो है वो ज्यादातर बताते रहते हैं कि जी दी लॉन्ग टर्म मतलब के लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, लॉन्ग रन में क्या होना है, इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, जबकि इनका एम्फेसिस सिर्फ शॉर्ट रन पे होता है, जो बात करते हैं करते ही ज्यादातर शॉर्ट रन की है, क्योंकि इनका मानना क्या है, ये एक बहुत फेमस इनकी अपनी एक कोटेशन है कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, मैंने इधर इसको दे कर दिया, वैसे ये जो इसकी है कोटेशन जो अगर मैं वर्ड बाय वर्ड कहूँ तो वो है वी ऑल आर डेड, यानी इनके नजदीक लॉन्ग रन कुछ नहीं है, इनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन है, जिसकी ये सारी बातें करते हैं।
जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्लासिकल और किनीजियन का डिफरेंस। ये बहुत एक कोर कॉन्सेप्ट है और एक कोर टॉपिक है, इसको हम आगे भी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है ताकि जब हम आगे कोई लेक्चर कर रहे हो या कोई टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसके अंदर आपको कुछ इतनी बेसिक चीज़ें पता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो आप ये ना कहेंगे कहते हैं कि ये क्लासिकल के नाम से ये ऐसा क्यों करता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल।